हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रोज़मी ओडिशा। फ्रेंड्स, आज हम पनीर और मेथी का पराठा बनाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी हमारा रेसिपी स्टार्ट करते हैं। पनीर और मेथी का पराठा बनाने के लिए हम सबसे पहले अपना डो रेडी करते हैं। मैंने 1 कप आटा लिया है। अभी हम इसमें मेथी को काट के डालेंगे। ये मैंने धो के काट के रखा था, तो इसको अभी हम डाल देंगे। इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, इसमें थोड़ा सा अजवाइन डालेंगे और थोड़ा सा हल्दी डालेंगे। इसमें इसको अच्छे से मिक्स करके इसमें पानी डाल के इसका एक डो बना लेते हैं। ये मैं एक पराठे के लिए बना रही हूँ, तो आपको जितना पराठा चाहिए आप उस हिसाब से ही आटा डालिएगा और मेथी को भी डालिएगा उस हिसाब से ही। तो इसीलिए मैंने 1 कप आटा लिया है और मेथी 3 से 4 टेबलस्पून लिया है। ये देखिए, ये अभी रेडी हो चुका है। तो अभी हम इसको ढक लेते हैं और मसाले की तैयारी करते हैं। फ्रेंड्स, मसालों के लिए मैं यहाँ पे पनीर डाल रही हूँ। ये सॉल्टेड पनीर है, इसका इसमें पहले से ही नमक है। तो अभी हम इसको अच्छे से मैश कर लेते हैं। अभी हम इसमें कटी हुई धनिया पत्ता डालेंगे, थोड़ा सा ग्रीन चिली डालेंगे काट के, थोड़ा सा आमचूर पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे, अदरक को ये ग्रेट करके डालेंगे ऐसे ही, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये रहा हमारा मसाला और इसके ऊपर थोड़ा सा पाउडर डालेंगे। पनीर का जो मसाला है उसको डाल देंगे इसमें, इसको चारों तरफ से बंद करेंगे। ये देखिए, ये हमने बेल दिया है। अभी हम इसको सेक लेते हैं। ये देखिए, तवा अभी गर्म हो चुका है। अभी हम इसमें इसको डाल देते हैं। अभी हम इसमें तेल या घी आप जो चाहो डाल सकते हो। ये देखिए, ये अभी अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है दोनों तरफ से। तो अभी हम इसको निकाल देते हैं प्लेट में। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा पनीर और मेथी का पराठा। तो आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय।